मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धमदस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको ले चल रहा हूँ बाबा नीम करोड़ी के संबंधित स्थलों में। आज मैं खड़ा हूँ जौनापुर मंदिर में। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, महाराज जी के द्वारा स्थापित मंदिर है, और इस पूरे आश्रम के हम आज आपको दर्शन करवाएंगे। यहाँ पर जो देवी देवताओं के मंदिर हैं उन सबके दर्शन कराऊंगा। तो मैं आपको लिए चलता हूँ सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन कराने के लिए। महाराज जी का मनमोहक चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है, और सीधे देखिए बाबा के दर्शन करिएगा। हनुमान बाबा के इनकी स्थापना महाराज बाबा नीम करोड़ी के कर कमलों से हुई। महाराज जी ने जहाँ भी हनुमान जी के मंदिर स्थापित किए हैं वहाँ भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। संकट मोचक हनुमान मंदिर में आप बाबा के दर्शन कर रहे हैं, और इनके चरणों में पड़ा है काल नैमी। ये काल नैमी जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे तो रावण ने इसको भेजा था, और हनुमान जी के हाथों उसका उद्धार हुआ था, तो वो अब यहाँ पैरों में पड़ा है, उसका भी उद्धार हो गया। मित्रों, किसी देवी देवता से अगर किसी असुर का, किसी ऐसे व्यक्ति का जो धर्म विरुद्ध है, अगर संहार होता है तो निश्चित रूप से उसका भी उद्धार हो जाता है। तो बाबा के आप दर्शन कर लीजिएगा। तो आपको लिए चलते हैं महाराज जी के दर्शन कराने के लिए। और ये हनुमान मंदिर के सामने आप देख रहे हैं श्री हनुमान चालीसा लिखा हुआ है, और संकट मोचन हनुमानाष्ट भी लिखा हुआ है, और यहाँ बिल्कुल बगल में महाराज जी विराजमान हैं। मैं उनके आपको दर्शन करवा रहा हूँ। ये आप महाराज जी के दर्शन कर लीजिएगा। जौनापुर मंदिर नई दिल्ली में, दिल्ली से आप दर्शन कर रहे हैं महाराज जी के विग्रह के, और उनके साथ ही हम आपको लिए चलते हैं महादेव के दर्शन कराने। आप ये महादेव पूरे परिवार के दर्शन करिएगा। देवों के देव महादेव के दर्शन के पश्चात आपको मैं दर्शन करवाने के लिए लिए चलता हूँ। देवी माता के दर्शन, माता के स्वरूप के, मनमोहक स्वरूप के आप दर्शन करिएगा। और आप जौनापुर मेहरौली दिल्ली से दर्शन कर रहे हैं माता के। बाबा नीम करोड़ी आश्रम में ये सभी देवी देवता विराजमान हैं। माता के दर्शन के पश्चात को लिए चल रहे हैं अन्नपूर्णा देवी माता के दर्शन कराने के लिए। और यहाँ पर आप भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, जहाँ गाय दुलार करते हुए भगवान कृष्ण हैं। ये जीना से हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ मंदिर के अंदर चलें। तो हम आपको सीधे दर्शन करवा रहे हैं महाराज जी का बहुत ही मनमोहक और विश्राम की अवस्था में तख्त पे लेटे हुए हैं। आप दर्शन कीजिए, और यहाँ से मैं आपको अन्नपूर्णा माता के दर्शन करवा रहा हूँ। आप लोग अन्नपूर्णा माता के दर्शन करिएगा। मैं पुनः बता दूँ, जौनापुर नई दिल्ली, इस आश्रम की स्थापना महाराज जी के हाथों हुई बाबा नीम करोली के कर कमलों द्वारा। मैं इसके साथ ही आपको राधा कृष्ण के दर्शन करा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि हम मथुरा बरसाने की तरफ पहुँच गए हैं, लेकिन आप ये दर्शन कर रहे हैं जौनापुर नई दिल्ली महाराज जी के आश्रम प्रांगण से। मैं आपको एक हॉल और दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर अन्नपूर्णा माता का विग्रह ये लगा हुआ है। ये हॉल है, और यहाँ पर ये बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ पर भोजन प्रसाद का वितरण होता है। आज इस हॉल को मैं दिखा रहा हूँ। मंदिर के ये अन्य दृश्यों को मैं दिखाता हुए आगे लिए चल रहा हूँ। आपको दर्शन कराने के लिए आपको अंदर लिए चल रहा हूँ पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन, क्योंकि आपने हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए अकेले, अब उनके पंच रूप के दर्शन कराने के लिए ये आश्रम में ही मैं चल रहा हूँ।
आश्रम में सौंदर्यीकरण पुताई हो रही है भैया की, कर रहे हैं। देखिए काम चलता रहता है और ये आप सबके सहयोग से चलता है। यहाँ पर हम चल रहे हैं पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर की तरफ। विशाल क्षेत्र यहाँ से दिखाई पड़ता है आपको और दिखाऊंगा, पहले मंदिरों की छटा देख लीजिएगा। विशाल प्रांगण है, बहुत हरियाली यहाँ पर है, यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। ये मंदिर आपको दिखाई पड़ रहा है और धुन भी आपको दिखाई पड़ रही होगी, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। अब पंचमुखी हनुमान मंदिर की तरफ ये जाने वाला गेट आ गया है। आश्रम प्रांगण में ही हम हैं और बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य है। मैं चारों तरफ से आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जब भी आप आएंगे तो आपका आध्यात्मिक मन रम जाएगा। चलते हैं, चलिए मंदिर की तरफ चल रहे हैं हम हनुमान जी के पंचरूपी दर्शन के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं पंचमुखी हनुमान जी के सामने, तो चलिए आपको कराते हैं दर्शन और साथ में मैं भी ये सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। पंडित जी बैठे हुए हैं और आप करिए पंचमुखी बाबा के दर्शन। बहुत नज़दीक से कराने का प्रयास कर रहा हूँ। बाबा का बहुत ही मनमोहक चित्र आपके सम्मुख है, विग्रह है, महाराज जी विराजमान है। महाराज जी का चित्र आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्योंकि हनुमान जी के रूप आप स्वयं और ये जिस रूप में हम सब लोग पहचान लेते हैं वो स्वरूप पंचमुखी स्वरूप के रूप में, लेकिन महाराज जी आज भी जब कभी दर्शन देते हैं तो फिर हम ये बाद में ही जान पाते हैं कि महाराज जी दर्शन दे गए। दूसरा दृश्य ये राम दरबार का, और राम दरबार में भी आप हाजिर हैं। मैं दिखा दूं कि बिना हनुमान के राम दरबार कभी पूरा होता ही नहीं है। यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे कि साईं बाबा की भी फोटो लगी हुई है, साईं बाबा भी विराजमान है। यहाँ पर दूसरी तरफ लाइन बना रहे बाबा सेवानंद जी हैं, यहाँ पर बहुत समय तक उन्होंने सेवा की है। गणेश भगवान विराजमान हैं और फिर आपको एक बार पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करा रहा हूँ। आप जी भर के देख लीजिएगा, वास्तव में स्वरूप तो ऐसा है कि मन नहीं करता कि यहाँ से हटूं, लेकिन और भी जगह आपको दिखाना है, और भी स्वरूप के दर्शन कराने हैं, तो फिर विदा लेते हैं पंचमुखी महाराज जी से, पंचमुखी हनुमान जी से। और मैं तो यही कहूँगा कि हम सबके साथ आप रहें, हम ना आपसे विदा लें ना आप हमसे विदा लें, तो चलें हमारे साथ। बोलो बजरंगबली की जय। पूरे दर्शन करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। मंदिर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और आपको बस मंदिर परिसर में हम आ चुके हैं। सबसे पहले दिखा दें कि मंदिर की अट्टालिका पर यानी छत पर नाग देवता विराजमान है, और ये गेट है और यहाँ से सीधे हम आपको दर्शन करवा रहे हैं नाग देवता के। आप इनके दर्शन कीजिएगा, ये हैं यहाँ पर नाग देवता का मंदिर। नाग के रूप में महादेव जी लगभग बैठे हुए हैं, लेकिन वो नागेश्वर के रूप में है, नाग के रूप में है, तो आपको बहुत नज़दीक से मैं दर्शन करा रहा हूँ। और शंकर पार्वती उधर एक स्वरूप, इधर राधा कृष्ण का है और इधर भी शंकर पार्वती बैठे हैं, और इस मंदिर को नाग देवता के मंदिर से पुकारा जाता है। महाराज जी जब आए थे तब यहाँ पर पूरी तरह से उबड़ खाबड़ जगह थी और पथरीले जगह पर ये वन क्षेत्र था। आज भी विशाल वन क्षेत्र में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर आज भी यहाँ पर वन क्षेत्र काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा विशाल वन क्षेत्र। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।